मैंने आपको इसलिए पूछा कि मैंने आपसे शेयर किया था।
आप देख देख भी लग रही है क्या हो रहा हूँ मैं पाकिस्तान का इससे ज़्यादा ज़्यादा किसी को वहाँ यहाँ पर आप भी वोटे वोटे को मिलने मिला वहाँ पर आपको और आप आते हैं अल्लाह अल्लाह वोटे वोटे को किसी तरीके में हमने तो वो भी मिली होती है तो ये कुछ नहीं होती है जब ऐसे और जब जाता हूँ कहीं मैं के लिए तो एक शेर मैं अपने अपने दोस्तों को सुनने वाले वालों को सुनाया और वो बड़ा बड़ा सुन शेर है कि देख लो धूप मदीने का पता दे रही है ये दुआ क्या है देख लो धूप मदीने का पता दे रही है इश्क वालों तो तरमीली मजा दे Oh.
نکل کر پے سيدنا مولانا
Oh, my God.
Thank you.
یہی اس کو ملا ملا ملا
मिलाद का शुरू होता है हुजूर की मिलाद मिलाद हुई तो फिर ही मिलाद का मिलाद क्या है मिलाद मिलाद ही जब जब हमारी भाजा ने क्या फरमाया था उसको लाइट लगा कर झंडे लगा कर अल्लाह ने जबीर को भी जाओ कि बोला क्या क्या झंडे लगा लगा सुभान क्या लगा लगा झंडे लगा लगा झंडे लगा लगा हमारे पास छोटी छोटी झंडियां रखी है अल्लाह ने फरमाया झंडे लगा क्या लगाओ झंडे लगा लगा अब जरा देख के लगी लगी कि हुक्म अल्लाह पाक दे रहा है और लगाने वाला कौन है खाली खलील फरिश्तों का सरदार है फरिश्तों का सरदार है कितनी शान और कमाल है खलील भी बिल अमीन अलैहि सलाम फरमाया जाओ जाओ और फिर वो झंडा कैसे होता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उस झंडे को लगा लगा को मिला मिला क्या वो ये झंडा होगा बहुत बड़ा झंडा हो रहा होगा इस्तेमाल इस्तेमाल होंगे कपड़े का झंडा था कौन सा झंडा झंडा सोचा आपने आला आला बात देखते हैं क्या फरमाते आला 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 कि खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरेरा सुभान अल्लाह फर्श वाले ऐ मेरे आका फर्श वाले तेरी शौक का उलू क्या जाने हम तो यहां बैठ बैठ कर मिला मिला रहे हैं अब हसीयत के मुताबिक आप उनकी बारगाह में हदीया दिए पेश कर रहे हैं उलूक कहते हैं इज्जत को बुलंदी को अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे आका फर्श वाले ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने तेरी शान और आज़ाद को क्या जाने खुसरवा ऐ मेरे बादशाह खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरे भरे रहते हैं अब आप समझ के और शौक को और बुलंदी के झंडे तो अर्श पर अल्लाह ने लगा दिया तो फिर जिब्रील आए झंडे लेकर आए एक अर्श पर लगाया बाबा का अर्श पर लगाया और एक हजरत सैयदा आमना के घर पर लगाया कौन सुना मेरे प्यार के साथ हुजूर की बारगाह में आना किया जो है वो किया है
بیان سے پہلے اس لیے کہ آخر میں اللہ پاک ان کا اپنے ہونے کو نہیں کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا برابر اور ارب صاحب کے بیٹے ابن خالد تھے کہ جب یہ لوگ بار بار شدہ میں نہ ملتے یہ کہتے یار یار کا پاکستان جا رہا ہے میں بیمار ہوں اور پتہ نہیں کہ میرے اپنے اندر رہنا کہ نہیں لگتا ہے ٹائم آ گیا ہے ابن خالد کے لیے وہ کہتے ہیں بعد آ رہا ہوں تو مدرسے میں پہنچے جب وہاں پر حاضر ہوئے تھے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں آ کے خالد کھڑا کھڑا کہتے میں نے میں نے کہا کہ بس میں کسی سے باندھے باندھے کہ میں جاؤں جاؤں اور تو وہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ خود کو دیکھا یہ انہی کے انداز پڑھ پڑھ خود کو دیکھا تو تیرا Yeah.
Oh,
تیرے کمال خدائی
امید ہے کہ ہم مر جائیں تو یہاں کریں کہ وہ گناہ ہمارے سارے ختم ہو جائیں اور ہم سارے